Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्लास सिक्स होगा. इससे पहले हम लोग क्लास फाइव डिस्कस कर चुके हैं. क्लास सिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम. तो कैटेगरीज हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से कैटेगराइजेशन होता है हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम में, तो वो डिस्कस करने वाले हैं. पहला लेवल है आपका बिट लेवल पैरेललिज्म और सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म. तो दो तरह के लेवल होते हैं आपके लेवल ऑफ पैरेललिज्म. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स ऑफ पार्ट्स डिस्कस करेंगे. तो बिट लेवल पैरेललिज्म क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पैरेललिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेसर वर्ल्ड साइज. ऑब्वियस ये बात है, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म होता है जो कि हमारा बेस्ड होता है किस पे, इंक्रीजिंग प्रोसेसर वर्ल्ड साइज पे. उसके प्रोसेसर के जिस हिसाब से साइज होते हैं उस हिसाब से वो पैरेललिज्म के थ्रू होता है. इट शॉर्टन्स द नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो छोटा कर देता है हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को. दैट द सिस्टम मस्ट रन इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क ऑन अ वेरिएबल विच आर ग्रेटर इन साइज. तो ऑब्वियस ये बात है, ये इस वजह से होता है कि हमारा जो प्रोसेसर जो रन करेगा परफॉर्मेंस सिस्टम, हमारा जो टास्क रन करेगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर साइज के हिसाब से ही रन करेगा, कि जो हमारे जो ग्रेटर साइज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, जो इस हिसाब से साइज होगा उस हिसाब से रन होगा. सो दैट कि नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा हमारे रन कर पाएंगे. अगर बड़े वाले को डाल देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जितना सर्टेन टाइम लेगा तब तक वो सारे बाकी के पॉज रहेंगे. तो ऑब्वियसली बात है, इस वजह से छोटे से लेके बड़े तक के ले जाए, दैट इज बिट लेवल पैरेललिज्म. सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म. इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में बेटा क्या होता है कि इट इज अ पैरेलल फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग. एक तरह का पैरेलल फॉर्म है कंप्यूटिंग का, इन विच वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेशन. जितना ऑपरेशन हमारा करा जाएगा, लाइक हम कोई भी परफॉर्मेंस करवा रहे हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो कैरीड आउट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम. एक सेम टाइम पे ही कितना टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैरीड किया जाता है हमारा अमाउंट ऑफ ऑपरेशन को, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. दैट इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन it performs the performance of the task with the same limit of time. तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की बात करें, तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म आपके पांच तरह के होते हैं. पहला होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एक थ्रू अ पाइपलाइनिंग लाइक वन ऑन वन सीक्वेंस में होता है, इस वजह से इसे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कहती है. इसके सब पार्ट्स है, इसमें से हेडिंग पूछी जाती है, इस वजह से मैंने इसको हेडिंग वाइज ही समझाया है. अगर आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी. नेक्स्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन. आउट ऑफ ऑर्डर OOE बोलते हैं इसको, जैसे OOE, ओके, या ओ टू ई भी बोलते हैं इसको. तो इसलिए जो भी पूछा जाएगा आप उसको हिसाब से बता दीजिएगा. तो दैट इज़ OOE, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन. रजिस्टर रीनेमिंग, रजिस्टर रीनेमिंग होता है, ठीक है. स्पेकुलेशन एग्जीक्यूशन, तो स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन होता है. एंड द ब्रांच प्रोटेक्शन, ब्रांच प्रोटेक्शन होता है कि अकॉर्डिंग टू दैट कि क्या रिजल्ट हमारे इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनुअल में आएगा हमारा, ठीक है. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.